हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू अन अकेडमी। एमबीपीएससी 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण शिलालेख या मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शंस के बारे में। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश में है, उनके बारे में हम लोग शॉर्ट में जानेंगे। सबसे पहले मौर्य जो साम्राज्य है या मौर्य डायनेस्टी है, उसके संबंध में इंपॉर्टेंट जो इंस्क्रिप्शन हमको मिलता है, इट्स अ गुर्जर इंस्क्रिप्शन विच इज लोकेटेड इन दतिया। ओके, उसके अलावा दूसरा मिलता पान गुराड़िया जो सीहोर के अंदर आपको लोकेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा, पान गुराड़िया जो है ये सारो मारो केव और पान गुराड़िया एक ही बात है। सारो मारो केव्स है वहां पे और पान गुराड़िया उस जगह का नाम है, तो सीहोर में आपको लोकेटेड है। उसके बाद सांची है रायसेन के अंदर, सांची इंस्क्रिप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद है आपका रूपनाथ जो कटनी में लोकेटेड है, याद रखिएगा जबलपुर में नहीं है। ठीक है, तो ये चार जो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है ये बेसिकली आपको लोकेटेड है आपके मौर्य के संबंध में ना, तो ये चारों इंस्क्रिप्शन जो है वो मौर्य के संबंध में आपको याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें आप मुझे आपको ये कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें अशोक को अशोक कहा गया है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में इसका जरूर आंसर कीजिए। अगला जो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है वो है रामनगर इंस्क्रिप्शन, और रामनगर इंस्क्रिप्शन ये बेसिकली बेस्ड है ऑन द डायनेस्टी ऑफ द गोंड डायनेस्टी या गोंड वंश है उनके संबंध में, जहां पर पूरा यादव राय से लेकर तमाम जो राजा हैं आपके गोंड डायनेस्टी के, तो उनके बारे में पूरी जो जानकारी है वो जानकारी आपको इस इंस्क्रिप्शन में, इस शिलालेख के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगला जो इंस्क्रिप्शन है वो गुप्त इंस्क्रिप्शन या गुप्त साम्राज्य से संबंधित है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा ओलिकार मंसूर, ओलिकार इंस्क्रिप्शन जो मंदसौर के अंदर है। अब देखो, ये जो इंस्क्रिप्शन है ओलिकार्स वाला, तो ये बेसिकली बिलोंग करता बंधु वर्मन को, तो ये उनके बारे में भी बताता है अबाउट द ओलिकार्स, और साथ में गुप्त राजाओं के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको देता है। उसके बाद तुमेन इंस्क्रिप्शन है अशोकनगर के बारे में, कहीं थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि में भी लिखी गई है जो अशोक से संबंधित है, बट तुमेन को जनरली हम लोग गुप्त इंस्क्रिप्शन से संबंधित आपको मानते हैं। फिर सूपिया इंस्क्रिप्शन है जो लोकेटेड है रीवा के अंदर। उसके बाद सांची इंस्क्रिप्शन है रायसेन के अंदर। अब देखो, जो सांची इंस्क्रिप्शन है इसके अंदर आपको चंद्रगुप्त सेकंड अशोक के बारे में या मौर्य पीरियड के बारे में, शुंग डायनेस्टी के बारे में और सातवाहन डायनेस्टी के बारे में, चारों डायनेस्टी के बारे में आपको सांची इंस्क्रिप्शन, सांची शिलालेख से आपको पता चलता है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है एरन इंस्क्रिप्शन जो सागर में आपको लोकेटेड है, और ये समुद्रगुप्त के समय का एक इंस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको एनग्रेव किया गया है, और उसी के साथ में उदयगिरी की जो केव्स हैं, इन उदयगिरी की केव्स के अंदर भी आपको कुछ इंस्क्रिप्शन मिलेंगे जो बिलोंग करते हैं आपके गुप्त डायनेस्टी को। अब देखो, जो उदयगिरी वाले जो केव्स है इसमें केव नंबर 20 है, विच इज अ जैन केव कहा जाता है, जैन धर्म से संबंधित है। यहां पर जो कुमार गुप्त हैं आपके गुप्त राजा, उनके बारे में जानकारी मिलती है। उसके साथ में एक केव नंबर 8 है जिसको तवा केव के नाम से जाना जाता है, और इस केव के अंदर जो चंद्रगुप्त सेकंड के जो मिनिस्टर थे वीर सेन, उन्होंने इसको इंस्क्राइब करवाया था, उसके बारे में पूरी जानकारी इन्होंने आपको डिफाइन की थी। ठीक है, तो केव नंबर 20 और केव नंबर 8 दोनों में आपको मिलेगा गुप्त साम्राज्य के संबंध में इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है, ये तो बात हुई गुप्त की। अगला जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है कलचुरी डायनेस्टी। कलचुरी डायनेस्टी के भी कई सारे सोर्सेस हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका सागर के अंदर एक इंस्क्रिप्शन था, छोटी देवरी करके एक इंस्क्रिप्शन है जबलपुर में, ये भाई पता नहीं क्यों आ जाता है यार। ठीक है, तो ये सागर और छोटी देवरी इंस्क्रिप्शन है। उसके बाद एक इंस्क्रिप्शन आपको मिलेगा करैतल इंस्क्रिप्शन जबलपुर में, मुकुंदपुर इंस्क्रिप्शन मिलेगा आपको सतना के अंदर। ठीक है, उसके बाद धुरेटी करके एक इंस्क्रिप्शन है वो आपको मिल जाएगा रीवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको। तो ये तमाम जो इंस्क्रिप्शन है ये बिलोंग करते हैं आपके कलचुरी को। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो मालादेवी टेम्पल है आपका, तो मालादेवी टेम्पल के अंदर भी इट इज लोकेटेड इन द 11th पुर विदिशा के अंदर, तो इस टेंपल में एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जो बिलोंग करता है आपके कलचुरी डायनेस्टी को, कलचुरी राजवंश को। अगला जो इंपॉर्टेंट जो इंस्क्रिप्शन है वो इंस्क्रिप्शंस आपको मिलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आपको ओलिकार्स ऑफ मंदसौर के बारे में। अब देखो, मंदसौर के अंदर जो ओलिकार डायनेस्टी है, तो इनके अंदर ओलिकार दो अलग-अलग वंशों में डिवाइडेड था, जिसमें सबसे पहले आपको मिलेगा मंदसौर इंस्क्रिप्शन ऑफ द नरवर्मन 461 एडी का, फिर गंगाधर इंस्क्रिप्शन मिलेगा विश्ववर्धन नाम के राजा का, उसके बाद आपको सोनहानी इंस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, है ना, और सोनहानी इंस्क्रिप्शन है लोकेटेड आपके मंदसौर जिले के अंदर। ओके, उसके बाद एक इंस्क्रिप्शन आपको मिलेगा विहार कोटरा और रिस्थल इंस्क्रिप्शन। तो गंगाधर शिलालेख, मंदसौर शिलालेख, सोंधानी, विहार कोटरा और आपका रिस्थल। रिस्थल इज ऑल्सो लोकेटेड इन द मंदसौर के अंदर। अगला बात करते हैं परमार डायनेस्टी के बारे में, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज आपको परमार डायनेस्टी के बारे में मिल जाएंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उदयपुर प्रशस्ति जो लोकेटेड है उदयपुर के अंदर, विच इज लोकेटेड इन द विदिशा के अंदर। तो विदिशा में जो उदयपुर है वहां पर आपको लोकेटेड है। फिर कीर्तिराज का सूरत का दानपात्र आपको मिलेगा, दानपात्र 1018 एडी का, जो माना जाता है कि आपके जो भोज हैं
उनसे संबंधित है। फिर आपको मिलेगा नागपुर प्रशस्ति, नागपुर के अंदर एक प्रशस्ति है उसके अंदर इनके बारे में बताया गया है। साथ ही बेटमा दान पात्र, बेटमा इज लोकेटेड इन इंदौर। उसके बाद आपको मिलेगा वसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन, वसंतगढ़ रिकॉर्ड। साथ में मिलेगा बड़नगर प्रशस्ति जो लोकेटेड है मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज हैं ये इनसे संबंधित, पटनारायण अभिलेख, उसके साथ में ही हरसोला इंस्क्रिप्शन, देन आपका जैन रिकॉर्ड्स आपको मिल जाते हैं, कई सारे जैन टेक्स्ट मिल जाते हैं, और साथ ही खजुराहो इंस्क्रिप्शन है आपके एट द टाइम ऑफ द विद्याधर चंदेल के टाइम का, जहां पर उन्होंने अकॉर्डिंग टू दैट जो आपका चंदेल राजा था वो आपके जो राजा भोज थे इनके लिए मृत्यु के देवता के समय, इट्स लाइक द गॉड ऑफ डेथ के बराबर आपको माना जाता है। अगली डायनेस्टी है कच्छपगढ़ डायनेस्टी, और कच्छपगढ़ डायनेस्टी संबंधित जो इंस्क्रिप्शन है, पहला है इंपॉर्टेंट सासबहु का शिलालेख जो महिपाल राजा के द्वारा आपको मतलब स्पेशली वो इंस्क्राइब किया गया। ओके, उसके बाद मिलेगा राजौर शिलालेख, राजौर इंस्क्रिप्शन, फिर आपके सिहोनिया मंदिर है उस वो मंदिर, और मंदिर के आसपास कई सारे इंस्क्रिप्शन जो शिलालेख यहाँ पर आपको है। साथ ही आपको मिलेगा एक उषा टेम्पल जो बयाना राजस्थान में आपको लोकेटेड है, वहां पर एक इंस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो तमाम इंस्क्रिप्शन लोकेटेड हैं आपके कच्छपघाट डायनेस्टी के संबंध में। तो सासबहु शिलालेख, राजौर शिलालेख, सिहोनिया मंदिर के शिलालेख, और उसके बाद उषा टेम्पल का शिलालेख जो राजस्थान में आपको लोकेटेड है। अगला जो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है वो है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का। अब देखो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा चतुर्भुज मंदिर जो ग्वालियर में लोकेटेड है। यहां पर दो शिलालेख लगे हैं, एक तो वही शिलालेख जिसमें जीरो के रिकॉर्ड्स के बारे में बात की गई है, और उसके अलावा एक और शिलालेख वहां पर है, और ये बेसिकली बिलोंग करता है डेंट द टाइम ऑफ द मिहिर भोज के टाइम पर, तो उस समय ये शिलालेख आपको लिखे गए। उसके बाद अगला जो शिलालेख है ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर के किले के अंदर ही ग्वालियर प्रशस्ति मिल जाएगी। फिर एक आपको मिलेगा पठारी शिलालेख, उसके बाद जो लोकेटेड है आपके विदिशा के अंदर, तो एक पहाड़ के ऊपर एक इंस्क्रिप्शन आपको लगा है और जगह का नाम है पठारी, इसलिए उसको पठारी शिलालेख कहा जाता है। फिर आपको मिलेगा राखेतरा इंस्क्रिप्शन ऑफ द विनायक पाल नाम के राजा का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये लोकेटेड है आपके मध्य प्रदेश के गुना में, तो उसको रखे इट्स कॉल्ड रखरेता इंस्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। फिर एक और मिलेगा राघोली शिलालेख, जयवर्धन नाम के राजा जो हैं उनका शिलालेख है, ये लोकेटेड है आपके मध्य प्रदेश के बालाघाट में, राघोल शिलालेख, राघोली इंस्क्रिप्शन आपके बालाघाट में। अगला इंस्क्रिप्शन आपको मिलेगा मिहिर भोज के इंस्क्रिप्शन मिलेंगे। अब देखो मिहिर भोज के संबंध में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, जैसे एक वराह विलेज है गानपुर में, तो वहां पर एक शिलालेख है, फिर दौलतपुर शिलालेख है जोधपुर के अंदर, फिर विष्णु वर्मन शिलालेख है आपका देवगढ़ के अंदर। ओके, तो अब आप बोलोगे सर आपने एमपी का बोला था और बाकी भी ऐड कर दिए, बट अगर जैसे जैसे मिहिर भोज है तो उसके संबंध में अगर कोई राज्य के बाहर भी शिलालेख है तो पता होना चाहिए, वहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। फिर आपको मिलेगा मंसूर शिलालेख, और ये आपके जो महेंद्रपाल सेकंड है उनके टाइम पर आपको शिलालेख को आपको लिखा गया, जो मंसूर में आपको लिखे डेट काफी लेटर पीरियड में आपको लिखा गया, एक ओलिकार्ट्स के टाइम पर था और एक इनके टाइम पर आया। फिर मौखरी वंश की बात करें तो मौखरी वंश के संबंध में जो शिलालेख आपको मिलेगा, और यहां पर आपके जो असीरगढ़ के राजा हैं महाराजा आपके सरवर्मन जो है उनका एक शिलालेख आपको मौखरी वंश के संबंध में आपको मिलेगा, सरवर्मन राजा का। फिर पारिव्राजक डायनेस्टी की बात करें तो पारिव्राजक डायनेस्टी के संबंध में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्क्रिप्शन है वो है हस्तिन का शिलालेख, और ये जो हस्तिन का शिलालेख है ये तीन शिलालेख आपको मिलते हैं, खोह, जबलपुर और उसके अलावा आपका मझगवा। तो खोह, जबलपुर और मझगवा, तो तीन जगह पे ये जो इंस्क्रिप्शन या शिलालेख है ये शिलालेख आपको आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको मिलेगा वकातक डायनेस्टी, वकातक राजवंश, और वकातक राजवंश का जो इंस्क्रिप्शन है सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, अलाहाबाद शिलालेख, उसके बाद जो वकातक डायनेस्टी संबंधित है। फिर आपको मिलेगा शुंग इंस्क्रिप्शन, शुंग डायनेस्टी के संबंध में तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा गरुड़ पिलर शिलालेख जो विदिशा के अंदर आपको है, जो गरुड़ पिलर स्पेशली वहां पर जिसको हम लोग खाम बाबा के नाम से ये हेलोडरस पिलर के नाम से जानते हैं, तो वहां पर एक गरुड़ पिलर जो शिलालेख है वो शिलालेख आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट जो शिलालेख है, जस्ट वेट कहां चलेगा, आजा भाई कम ऑन, यस हाँ, तो गरुड़ पिलर शिलालेख है जो आपके विदिशा के अंदर आपको लोकेटेड है, शुंग डायनेस्टी से आपको संबंधित है। अगला जो शिलालेख है वो है सतवाहन इंस्क्रिप्शन, सतवाहन शिलालेख। अब ये भी सतवाहन राजाओं के बारे में सांची शिलालेख के अंदर, सांची इंस्क्रिप्शन में बताया गया कि तमाम जो डायनेस्टी है, चाहे मौर्य हो, चाहे गुप्त हो, या सतवाहन डायनेस्टी हो, चाहे शुंग डायनेस्टी हो, सबके बारे में उसमें लिखा गया है। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी इज कॉल्ड द बल्क डायनेस्टी, बल्क वंश, और ये लोकेटेड है आपके मतलब जो स्पेशली बाघ और आसपास का रीजन है धार जिले में,
तो ये धार और आसपास का पूरा जो नर्मदा के आसपास का क्षेत्र है, तो यहाँ पर दो शिलालेख मिलते हैं, एक महेशमती का शिलालेख और दूसरा बाघ शिलालेख। महेशमती इज इन द खरगोन और बाघ शिलालेख आपको मिलेगा धार के अंदर, जो बल्क डायनेस्टी से संबंधित है। अगला जो शिलालेख है वो तोमर डायनेस्टी के संबंध है। तोमर वंश का भी बड़ा ग्वालियर और आसपास के रीजन में इनका साम्राज्य आपको रहा। इनके टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट शिलालेख आया गंगोल ताल शिलालेख, और गंगोल ताल शिलालेख लोकेटेड है ग्वालियर में, गंगोल करके एक ताल है, उस ताल के अंदर ये शिलालेख आपको मिल जाएगा। फिर तिकोनिया ताल है ग्वालियर में, ग्वालियर किले के अंदर, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। फिर एक अंबिका देवी टेम्पल है सिहोनिया के अंदर, तो ये एक अंबिका देवी टेम्पल सिहोनिया में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो तीन इंस्क्रिप्शन आपके तोमर के संबंध में है। फिर तुगलक डायनेस्टी की बात करें तो तुगलक डायनेस्टी संबंध सिर्फ एक शिलालेख हमको बटियागढ़ शिलालेख जो है, ये बटियागढ़ शिलालेख आपको मिल जाता है, और इसके माध्यम से हमको बेसिकली उनके डायनेस्टीज की बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगी। फिर आपको मिलेगा एक पर्शियन शिलालेख जो दमोह में लोकेटेड है, पर्शियन भाषा के अंदर उस शिलालेख को आपको लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके इंस्क्रिप्शन हुए, शिलालेख आपको हुए। तो ये तमाम शिलालेख आपके मध्य प्रदेश से संबंधित आपको है, या मध्य प्रदेश के साम्राज्यों से संबंधित है। उसी के साथ में अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे अभी चल रहा है शानदार ऑफर, और साथ ही एमपीपीएससी टेट का एक जो कोर्स है ये ऑलरेडी आपको लाइव हो चुका है, और इसके अंदर आपको तमाम चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स, हिंदी लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तमाम टॉपिक आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, और ये पूरा जो टेट का या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पूरा टेस्ट आपको मिल जाएगा, तमाम क्लासेस के अंदर आपको मिल जाएंगी, और इसके माध्यम से आप अपना पूरा टेट का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आप पूरा कंप्लीट बैच भी ले सकते हैं और इंडिविजुअल बैच भी आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही जीत की रणनीति करके एक इंपॉर्टेंट बैच है, जिद करके एक इंपॉर्टेंट बैच आपको आ जाएगी, तो तमाम कोर्सेज के अंदर आपको मिल जाएंगे। विजय पथ करके एक सीरीज है, जिद करके सीरीज है, और इन तमाम सब्सक्रिप्शन के लिए सिंपली आपको यूज करना है मेरा कोड पवन लाइव, PAVANLIVA, एंड यू गेट 10% डिस्काउंट ऑन द प्लस क्लासेस। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।